नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नमन राजपूत और आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपने अपना अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन करा रखा है, चाहे फिर वो बैंक आपका सरकारी हो या फिर प्राइवेट, और आपने अपने उस अकाउंट पर ATM कार्ड भी बनवा रखा है, तो आपके मन में यहाँ पर कभी ना कभी एक सवाल ज़रूर आता है कि अगर मेरा ATM कार्ड यहाँ पर खोया जाता है या फिर मेरा ATM कार्ड बेकार हो जाता है तो मुझे यहाँ पर किस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आपका ATM कार्ड यहां पर खो जाता है या फिर बेकार हो जाता है तो आपको यहां पर किस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, जिससे आपके खोए हुए ATM कार्ड का कोई भी व्यक्ति गलत इस्तेमाल ना कर सके, और आपको अपने नए ATM कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना होगा, और आपको यहां पर ATM कार्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। सो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंकिंग से जुड़ी वीडियो और गवर्नमेंट सेक्टर जुड़ी वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड वहीं पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट एंड ट्रिक प्रोवाइड कराता हूं। सो दोस्तों, अब हम यहां पर जान लेते हैं कि अगर आपका ATM कार्ड यहां पर खोया जाता है या फिर हो जाता है तो आपको किस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब मैं यहां पर आपसे बात कर लेता हूं कि अगर आपका ATM कार्ड यहां पर खो जाता है या फिर आपका ATM कार्ड बेकार हो जाता है तो आपको यहां पर किस प्रोसेस को फॉलो करना होगा, जिससे कोई भी व्यक्ति आपके उस ATM कार्ड का गलत इस्तेमाल ना कर सके। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर आपको अपने ATM कार्ड को परमानेंट तौर पर ब्लॉक करना होता है। ब्लॉक करने के आपके सामने दो तरीके निकल कर आते हैं। पहला तरीका है, आप अपने जिस भी बैंक का आपका ATM कार्ड है उसके टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप अपने ATM कार्ड को परमानेंट तौर पर ब्लॉक करा सकते हैं। एंड दूसरा तरीका यहां पर जो निकल के आता है वो है, आपको अपने नियर बाय लिंक ब्रांच में जाना होगा। एंड लिंक ब्रांच में जाने के बाद आपको एक यहां पर लिखित में एप्लीकेशन देनी होगी। उस एप्लीकेशन में आपको लिखना होगा, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, उसके बाद आपको अपनी ब्रांच का नाम, एंड फिर आपको वहां पर लिखना है कि मेरा आपकी शाखा में अकाउंट है एंड मेरा इस अकाउंट पर जो ATM कार्ड जारी था वो ATM कार्ड यहां पर खो गया है, अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे ATM कार्ड को परमानेंट तौर पर ब्लॉक करने की कृपा करें। उसके बाद आपको अपना वहां पर नाम लिखना होगा, अपना अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर, एंड उस पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। एप्लीकेशन कुछ आपको इस तरह से लिखनी है, जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब आप ये एप्लीकेशन अपनी ब्रांच के अंदर जमा कर देंगे तो ब्रांच वाले आपके ATM कार्ड को परमानेंट तौर पर ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद कोई भी व्यक्ति आपके ATM कार्ड से मिसयूज या कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यहां पर जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था कि आप यहां पर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी अपने ATM कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं, तो टोल फ्री नंबर को निकालने के भी यहां पर दो तरीके निकल कर आते हैं। पहला तरीका होता है, यहां पर आपका जिस भी बैंक के अंदर अकाउंट है आपको उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहां पर अबाउट वाले सेक्शन में उस बैंक का टोल फ्री नंबर मिल जाता है, या फिर आपके पास आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक के अकाउंट की पासबुक पर भी बैक साइड में आपको बैंक का टोल फ्री नंबर मिल जाता है, या फिर आपका जो ATM कार्ड है उस ATM कार्ड का जो रैपर आपको मिलता है उस पर भी आपको टोल फ्री नंबर मिल जाता है। सो इस तरह से आप अपने टोल फ्री नंबर को निकाल के अपने ATM कार्ड को परमानेंट तौर पर ब्लॉक कर सकते हैं। सो मैंने ये जो आपको तरीका बताया है ये सबसे आसान तरीका माना जाता है अपने ATM कार्ड को जल्दी से जल्दी ब्लॉक करने के लिए, जिससे आपके ATM कार्ड से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड ना कर सके। दोस्तों, अब मैं यहां पर आपसे बात कर लेता हूं कि आपने मेरी वीडियो को देखकर अपने ATM कार्ड को तो परमानेंट तौर पर ब्लॉक कर दिया है, लेकिन अब आपको अपने नए ATM कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना होगा। नए ATM कार्ड को बनवाने के भी कुल यहां पर दो तरीके निकल कर आते हैं। पहला तरीका है, यहां पर आपका जिस भी बैंक के अंदर अकाउंट है उस बैंक की ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर आप अपने ATM कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अप्लाई है और आप यहां पर ऑनलाइन ATM कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपको उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए। आप यहां पर घर बैठे ATM कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। एंड दूसरा तरीका जो यहां पर निकल कर आता है वो होता है, यहां पर अपने नियर बाई ब्रांच के अंदर जाकर आपको यहां पर एक फॉर्म मिल जाता है ATM कार्ड के लिए, उस फॉर्म को फिल करके आप यहां पर अपना ATM कार्ड बनवा सकते हैं। यहां पर दोस्तों अलग
अलग ब्रांच का अलग अलग एटीएम का फॉर्म होता है, जैसे कि स्टेट बैंक का फॉर्म अलग होता है, बीओबी का फॉर्म अलग होता है एंड पीएनबी का फॉर्म अलग होता है। तो आपका यहाँ पर जिस भी बैंक में अकाउंट है उस ब्रांच में जाकर आप यहाँ पर एटीएम कार्ड का फॉर्म ले लेंगे एंड उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको अपनी ब्रांच में जमा करना होगा। जैसे ही आप उस फॉर्म को जमा करेंगे तो फॉर्म को जमा करने के लगभग 7 से 10 दिन के अंदर ही आपके रजिस्टर एड्रेस पर आपका एटीएम कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। डिलीवर होने के बाद आप अपने एटीएम कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं एंड उसके बाद आप अपने एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन करके अपनी बैंकिंग की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि अगर आपका एटीएम कार्ड यहाँ पर खोया जाता है तो आपको यहाँ पर किस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए बैंकिंग से जुड़ी वीडियो और गवर्नमेंट सेक्टर जुड़ी वीडियो लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।